गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि डेटाबेस में थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो समझते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो किसी भी टेबल को अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी भी टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन से रूल फॉलो करने होते हैं। तो पहला जो रूल है वो ये है कि किसी भी टेबल को अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो टेबल जो है मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो वो टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पहले होना चाहिए। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, इसके जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समझा रखा है। तो आप चाहे तो वहां जाकर के देख सकते हैं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है। उसके बाद किसी भी टेबल को अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए उस टेबल के जो एट्रीब्यूट्स है, उस टेबल के जो कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स नेम एक ही चीज है। तो उस टेबल के जो एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होना चाहिए उस टेबल के की कॉलम के ऊपर। तो की कॉलम आपका एम्प्लॉई आईडी हो सकता है या फिर आपका स्टूडेंट आईडी हो सकता है। की कॉलम का मतलब कि उस टेबल के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो की कॉलम के ऊपर, यानी कि एम्प्लॉई आईडी या स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे ही रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट सपोज एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी जो है मुझे अपडेट करनी है, 12,000 उसकी सैलरी है। नाउ आई वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम 12,000 टू 15,000, 12,000 से मैं 15,000 उसकी सैलरी करना चाहता हूँ। तो उसकी सैलरी चेंज कब होगी, अपडेट कैसे होगी? तो उसकी सैलरी अपडेट तभी होगी जब हमारे पास उसकी एम्प्लॉई आईडी होगी। तो उसी को की कॉलम बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स जो है वो पूरी तरह से की कॉलम, यानी कि एम्प्लॉई आईडी या स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो उसके बाद जो है थर्ड जो रूल है किसी भी टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, वो ये है कि नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। उस टेबल में ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर उस टेबल में ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो उस टेबल को जो है अलग अलग टेबल्स में तोड़ करके ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ पाएगी। तो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, इसके ऊपर भी मेरे वीडियोस हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी वाले वीडियोस हैं। तो उसमें जा करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है या ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। वेल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है किसी कॉलम, किसी टेबल के अंदर, लेट सपोज एक्स कॉलम है तो वो एक्स कॉलम डिटरमिन करना चाहिए वाई कॉलम को। दैट मीन्स कि वाई कॉलम डिपेंडेंट होना चाहिए एक्स कॉलम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर जो वाई कॉलम है, वाई कॉलम डिटरमिन करना चाहिए जेड कॉलम को, यानी कि जेड कॉलम डिपेंडेंट होना चाहिए वाई कॉलम के ऊपर। एंड देन फाइनली जो है एक्स कॉलम डिटरमिन करे जेड कॉलम को, यानी कि जेड कॉलम एक्स कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। तो नीचे जो हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट टेबल, तो इस स्टूडेंट टेबल में हम एक्स कॉलम को भी देखेंगे, वाई कॉलम को भी देखेंगे और जेड कॉलम को भी देखेंगे, और फिर समझेंगे कि कैसे एक्स कॉलम वाई कॉलम को डिटरमिन कर रहा है, कैसे वाई कॉलम जेड कॉलम को डिटरमिन कर रहा है, और कैसे फिर एक्स कॉलम डिटरमिन कर रहा है जेड कॉलम को। तो
ये तीन रूल्स थे जिसको फॉलो करके हम किसी भी टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जो है नीचे हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल। तो इस स्टूडेंट टेबल को जो है हम जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट टेबल है पहले से ही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, और उसके बाद जितने भी एट्रीब्यूट्स है, जितने भी कॉलम्स है, वो सारे कॉलम्स जो है की कॉलम यानी कि स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के ऊपर, स्टूडेंट नेम वाला कॉलम, सिटी वाला कॉलम, पिन कोड वाला कॉलम, ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स जो है की कॉलम मतलब स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल, ये दोनों रूल जो है यहाँ पे फॉलो करते हैं स्टूडेंट वाले टेबल में। अब जो थर्ड रूल है कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, तो इस स्टूडेंट वाले टेबल में जो है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। तो कैसे होल्ड कर रही है? तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में हमारे पास एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, जिसको की कॉलम कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है ये है 100 और 200। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है वो है स्टूडेंट नेम वाला कॉलम, अमर और कोमल, ये दो स्टूडेंट के नाम है। सिटी वाला कॉलम है दिल्ली और फरीदाबाद, दिल्ली और फरीदाबाद जो है ये सिटी के नाम है। और उसके बाद फोर्थ कॉलम जो है वो पिन कोड का है, इसमें 2001 2002 ये दो वैल्यू है। अब इसमें देखेंगे कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे होल्ड कर रही है। तो एबव टेबल स्टूडेंट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो ऊपर वाला जो स्टूडेंट टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, वो उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स है, स्टूडेंट नेम वाला एट्रीब्यूट, सिटी वाला एट्रीब्यूट, पिन कोड वाला एट्रीब्यूट, ये सारे डिपेंडेंट है की कॉलम मतलब स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर भी जो है ऊपर वाला स्टूडेंट टेबल जो है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? एज वी कैन आइडेंटिफाई सिटी बाय स्टूडेंट आईडी एंड पिन कोड एज वेल। अब ऊपर वाले टेबल में क्या है कि अगर मैं सिटी को आइडेंटिफाई करना चाहूँ, अगर किसी के सिटी का नाम चेंज करना चाहूँ, तो सिटी का जो नाम है वो स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे भी मैं देख सकता हूँ और वो पिन कोड आईडी के बेसिस पे भी देख सकता हूँ। तो एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जा करके स्टूडेंट आईडी के साथ अगर सिटी का नाम देखना चाहेंगे तो सिटी का नाम आपको दिख जाएगा दिल्ली फरीदाबाद, या फिर आप पिन कोड से भी किसी भी सिटी के पिन कोड से भी सिटी का नाम आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीदर पिन कोड इज सुपर की, लेकिन पिन कोड यहाँ पर सुपर की तो नहीं है, प्राइमरी की तो नहीं है। तो पिन कोड अगर प्राइमरी की है ही नहीं तो पिन कोड के बेसिस पे हम सिटी कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पर पिन कोड जो है वो प्राइमरी की नहीं है, सुपर की नहीं है, और सिटी जो है वो भी एक प्राइम की एट्रीब्यूट नहीं है। प्राइम की एट्रीब्यूट का मतलब कि सिटी जो है ये कॉलम भी डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के ऊपर और पिन कोड आईडी वाले कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको जो है नेक्स्ट लाइन में समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस स्टूडेंट वाले टेबल में जो है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे होल्ड कर रही है उसको समझते हैं। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम है, इसको हम एक्स कॉलम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम या एक्स कॉलम जो है ये डिटरमीन कर रहा है पिन कोड वाले कॉलम को यानी कि जो है वाई वाले कॉलम को, ठीक है। वाई वाला कॉलम जो है हमारे पास यहाँ पे है पिन कोड वाला कॉलम। तो पिन कोड वाला कॉलम जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया आपका स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के ऊपर, ठीक है। एक्स डिटरमिन कर रहा है यहाँ पे वाई को, तो वाई जो है कॉलम वो डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी के ऊपर। कैसे? कि पिन कोड को अगर मुझे इंसर्ट करना है या पिन कोड को मुझे चेंज करना है तो स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे पिन कोड को मैं
चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है वो डिटरमिन कर रहा है पिन कोड को, और उसके बाद पिन कोड डिटरमिन कर रहा है सिटी वाले कॉलम को, यानी कि सिटी वाला कॉलम जो है डिपेंडेंट है पिन कोड वाले कॉलम पर। तो यहाँ पर पिन कोड आपका वाई कॉलम हो गया, जो कि डिटरमिन कर रहा है सिटी कॉलम मतलब जेड कॉलम को। तो यहाँ पर जो है सिटी आपका जेड कॉलम हो गया, जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है वाई कॉलम के ऊपर, पिन कोड वाले कॉलम को। तो यहाँ पर पिन कोड में अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे पिन कोड को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे सिटी में अगर कोई चेंजेस करना है तो हम पिन कोड के बेसिस पे भी सिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या बन गया कि स्टूडेंट आईडी डिटरमिन कर रहा है पिन कोड को, अब पिन कोड डिटरमिन कर रहा है सिटी को। दैट मीन्स स्टूडेंट आईडी मतलब एक्स कॉलम डिटरमिन कर रहा है पिन कोड वाई कॉलम को, और वाई कॉलम पिन कोड डिटरमिन कर रहा है जेड कॉलम यानी कि सिटी वाले कॉलम को। और फाइनली जो है सिटी में अगर कोई चेंजेस करना है तो वो हम स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे भी सिटी सिटी वाले कॉलम को चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी भी सिटी को अपडेट कर सकते हैं, उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली एक्स कॉलम जो है स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम जो है वो एक्स कॉलम है, वो फाइनली सिटी वाले कॉलम को भी जो है डिटरमिन कर रहा है मतलब जेड वाले कॉलम, सिटी वाला कॉलम मतलब जेड वाला कॉलम, तो जेड वाला कॉलम यानी कि सिटी कॉलम को भी डिटरमिन कर रहा है स्टूडेंट आईडी, यानी कि सिटी कॉलम जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम पे। सिटी कॉलम मतलब जेड कॉलम जो है वो डिपेंडेंट है एक्स कॉलम पे मतलब स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम पे, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जो पिछले ही स्लाइड का टेबल है। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि इस स्टूडेंट टेबल में ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही थी, इसलिए ये स्टूडेंट टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी। तो बेसिकली इस स्लाइड में हम जो है इस स्टूडेंट टेबल से ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे, और रिमूव करके इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने स्टूडेंट टेबल में से ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट टेबल को डीकम्पोज करके दो टेबल्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि स्टूडेंट टेबल से मैंने दो टेबल्स बना दिए। एक टेबल का नाम रखा मैंने स्टूडेंट डिटेल टेबल, और दूसरे टेबल का नाम रखा मैंने पिन कोड डिटेल टेबल। तो इस स्टूडेंट टेबल में से मैंने सिटी वाले कॉलम्स को हटा करके मैंने दूसरे टेबल पिन कोड डिटेल वाले टेबल में डाल दिया। तो इसको क्यों मैंने यहाँ से रिमूव किया है, क्यों हटाया है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट आईडी जो है ये एक्स कॉलम है जो डिटरमिन कर रहा है पिन कोड वाई कॉलम को, और पिन कोड वाई कॉलम जो है ये डिटरमिन कर रहा है सिटी जेड कॉलम को। तो एक सीक्वेंस तो ये बन गई कि स्टूडेंट आईडी एक्स कॉलम डिटरमिन कर रहा है पिन कोड वाई कॉलम को, और पिन कोड वाई कॉलम जो है डिटरमिन कर रहा है सिटी जेड कॉलम को। और दूसरा जो सीक्वेंस है वो ये है कि स्टूडेंट आईडी कॉलम जो है फाइनली जेड कॉलम यानी कि सिटी कॉलम को भी ये डिटरमिन कर रहा है। तो दैट मींस कि सिटी वाले कॉलम में अगर मुझे कोई भी अपडेशन करना है तो वो अपडेशन मैं पिन कोड के बेसिस पे भी कर सकता हूँ, वो अपडेशन मैं स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे भी कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अगर मैं सिटी वाले कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी भी रिमूव हो जाएगी। तो इसको जो है थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, टू ब्रिंग द टेबल स्टूडेंट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो स्टूडेंट टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए
वी डू एज फॉलो, तो जैसे नीचे दिखाया गया है हम वैसे करते हैं। तो नीचे क्या किया मैंने, स्टूडेंट टेबल को दो टेबल्स में तोड़ दिया है और एक टेबल का नाम रखा मैंने स्टूडेंट डिटेल टेबल, दूसरे टेबल का नाम रखा मैंने पिन कोड डिटेल टेबल। तो सिटी वाले कॉलम्स को रिमूव करने के बाद मेरे पास स्टूडेंट डिटेल में जो कॉलम्स है वो स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, दूसरा कॉलम जो है स्टूडेंट नेम का कॉलम है, तीसरा कॉलम जो है वो पिन कोड का कॉलम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम वाला कॉलम और पिन कोड वाला कॉलम, ये दोनों ही कॉलम जो है की कॉलम यानी कि स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं स्टूडेंट नेम में कोई चेंजेस लाना चाहता हूँ, कोई अपडेशन करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे जो है इसमें अपडेशन होगा। अगर पिन कोड में, पिन कोड वाले कॉलम में अगर मैं कोई अपडेशन करना चाहता हूँ तो ये भी स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे ही अपडेशन होगा। पिन कोड के बेसिस पे जो है स्टूडेंट का जो नाम है इस वाले कॉलम में हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, या स्टूडेंट डिटेल में और कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसको पिन कोड वाले कॉलम के बेसिस पे उसमें अपडेशन कर सके। हाँ, सिटी वाले कॉलम को पिन कोड के बेसिस पे हम अपडेट कर सकते थे, बट मैंने सिटी वाले कॉलम्स को यहाँ से हटा दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आईडी जो है की कॉलम है जिसपे स्टूडेंट नेम वाला कॉलम और पिन कोड वाला कॉलम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया और यहाँ से ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी पूरी तरह से रिमूव हो गई। उसके बाद दूसरा जो टेबल है पिन कोड डिटेल वाले टेबल में मैंने सिटी वाले कॉलम को रखा और सिटी वाले कॉलम में अपडेशन मैं पिन कोड के बेसिस पे भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पिन कोड वाला कॉलम डाल करके मैंने एक नया टेबल यानी कि पिन कोड डिटेल वाला टेबल बना दिया। अब ऊपर वाला जो टेबल है उसमें भी पिन कोड का कॉलम है और नीचे वाला जो टेबल है इसमें भी पिन कोड का कॉलम है, तो ये दोनों पिन कोड कॉलम सेम है, इसलिए स्टूडेंट डिटेल टेबल और पिन कोड डिटेल टेबल ये दोनों आपस में जुड़ गए और स्टूडेंट टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो हमने देखा कि कैसे एक टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मेरा ये थर्ड वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम BCNF यानी कि बॉयसी कॉड नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।